इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ सरकार बना के दी और मैंने 2020 में दी, अक्टूबर के महीने में कोरोना हो गया था, मुझे 11 दिन में निकल पाए थे और पूरे प्रदेश की भाजपा चुनौतियां करवाई थी मेरी मनौतियाँ कि आ जाइए जल्दी। जब 28 सीटों पर चुनाव हुए तो हम 22 पे जीते और मैंने 10 पे चुनाव प्रचार किया। जब आशीर्वाद यात्रा निकली मुझे पंडित बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे, हाँ चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी। मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगा, मैं भाजपा की नहीं वोट मांगूंगी, लेकिन मेरे मन में यह सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय है, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से बढ़ के प्रिय है, तो उनको एक ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा, नहीं मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी। अब मैं इन बातों को क्यों दबा रखू अपने अंदर कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैं इस बात को अपने मन के अंदर दबा क्यों रखू कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मुझे मैंने ये बातें कही अकेले में चुपचाप कही, जब नहीं हो पाई तब मैंने खुलेआम बोलना शुरू किया है। शराब का भी यही हुआ था, 1 साल तक मैं चुपचाप अकेले में बात करती थी तो लोग कहते थे कि मीडिया वाले हमेशा मेरे मेरे मेरा अपमान करते थे।